सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो भाई आज हम जा रहे हैं गणेश जी को लेने, खड़खड़ी जाएंगे। खड़खड़ी में मतलब उनकी स्थापना होगी और वहीं पे सब होता है, चंदन भाई के घर के पास। भले आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा हो पर कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड ब्लॉग आने वाला है जो कि विसर्जन का होगा और उसमें बहुत मजे आने वाले हैं। तो भाई चंदन भाई मेरे को वहीं पे मिल जाएगा, मेरे घर से पास है तो मैं पहले यहीं से चले आता हूँ। तो अभी भाई टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं और लेट भी बहुत हो गया है, तो चलो फटाफट चलते हैं। चंदन भाई का कॉल भी बहुत देर से आ रहा है, तो चलो मिलते हैं शॉप पर। बाय बाय। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारी मूर्ति है, यहाँ से हम मूर्ति लेंगे। अच्छे लग रहे हैं, सारे अच्छे लग रहे हैं ना भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब मूर्तियाँ यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ के। तो चलो भाई अब रखवाते हैं मूर्ति। तो गाइस हमारी मूर्ति तो अब हाथ छोटे हाथी में रख चुके हैं, अब चलते हैं हम, देखते हैं आगे। तो भाई सब मूर्ति रख चुके हैं क्योंकि अभी सबके लिए सरप्राइज होता है, मतलब गणपति जी को दिखाते नहीं है तो अभी ना उनको मतलब थोड़ा कवर करके ले आ रहे हैं पहले, और सुबह जब पूजा होगी ना तब उनको मतलब खोलेंगे और सबको सरप्राइज देंगे। तो अभी हमने आपको भी नहीं दिखाया क्योंकि अभी हमारे सामने ओपन ही नहीं हुई है। तो भाई गणेश जी इसमें जा रहे हैं। फाइनली मूर्ति आ चुकी है। ये 11 दिन की है मूर्ति रखी है, या फिर 11 दिन बाद इनको विसर्जन किया। रोज यहाँ पर बहुत बच्चों के प्रोग्राम, मतलब आप कह सकते हो अभी गणेश जी की अनबॉक्सिंग नहीं की है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर पर और आज बहुत मजा आया। मतलब आज का ब्लॉग भले ही थोड़ा छोटा था पर ना अभी आपको अगला ब्लॉग हम दिखाएंगे जब हम विसर्जन करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। जल्दी जल्दी बन के पहुँचा दो भाई, मज़ा आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।